एक बार की बात है, इस काली अंधेरी दुनिया में एक बहुत ही खूबसूरत शहर था, बिल्कुल हरा भरा, जहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चलती हो, लोग बहुत खुश थे वहाँ पर। और वहाँ पर एक जादुई नदी थी। उस जादुई नदी में कोई भी जाता तो उसके सपने पूरे हो जाते थे। उस जादुई नदी के पास से भी कोई गुजरता तो वो जादुई नदी उन लोगों के सपनों को कैद कर लेती थी और समझ जाती थी कि इसका सपना क्या है, और वो उसको पूरा कर देती थी। इस तरह कई लोगों के सपने पूरे हुए और उस जादुई नदी में बहुत सी असीम ताकतें थीं। एक लड़की एलरा, जो कि उस जादुई नदी के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक थी, वो अपनी ही दुनिया में रहती थी। उसे लगता था कि जब वो जादुई नदी में जाएगी तो उसके भी सारे सुनहरे सपने पूरे हो जाएंगे। और इस तरह से वो एक दिन उत्सुकता में अपने घर से निकल पड़ी। अपने घर से निकलते हुए वो जंगल के बीचों बीच पहुँच गई। वो गुम हो गई थी अपने ही ख्यालों में और सोचने लगी थी कि वो जादुई नदी कैसी होगी, कैसी दिखती होगी, क्या वो ठंडी होगी, उसका पानी साफ होगा, उसमें से मछलियाँ कूद रही होंगी जिनकी मछलियों की स्केल्स दिख रही होंगी। और ऐसे ही सोचते सोचते वो एक नदी में पहुँच गई, जहाँ में वो नहाने लगी, क्योंकि रात हो चुकी थी और चांदनी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और इस तरह एलरा जो है उस पानी में पानी को हाथ लगाने लगी तो उसको महसूस हुआ कि वो उसी जादुई नदी में है। और ये महसूस करने के बाद वो वहाँ पे प्रेयर करने लगी, वो मांगने लगी कि उसके सारे सपने पूरे हो जाए। और तभी उसके सामने थोड़ी देर बाद बहुत ही डरावने सपने, सारी दुनिया जहाँ और सब कुछ दिखने लगा। उन जिन लोगों ने वो सपने मांगे थे वो सब दिखने लगा। उन सपनों में उसकी खुद की एक परछाई थी, जिसमें वो एक आत्मविश्वास के साथ खड़ी थी। उसकी आंखों में चमक थी, रोशनी थी। वो समझ गई कि उसके सपने कुछ नहीं है, वो खुद उसकी एक पहचान है। उसे खुद पर यकीन करना है, उसे किसी सपने की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी जादुई नदी की ज़रूरत नहीं है। वो चमक, वो जादू उसकी आंखों में था, वो चमक उसमें खुद में थी। इसलिए वो चुपचाप ऐसे ही हंसते हुए घर आ गई और खुश हो गई।